Good morning, third center students. How are you all? I hope you all are fit and fine and you're home. Okay, today I'll start unit third ka first chapter hai, little by little. देखो आपके बुक में दिया हुआ है ना, little by little. तो ये जो poem है ये एक seed की poem है. एक जो छोटा सा बीज होता है उसने बताया है कि मैं जब एक छोटा सा बीज था उसके बाद में जब मिट्टी में गया उसके बाद में कैसे धीरे धीरे ग्रो करके बड़ा पेड़ बन गया. तो ये जो पोएम है ये एक बीज की कहानी है. ठीक है, एक्रॉन सीड, एक लिटिल एक्रॉन सीड है, मतलब बैगन का एक छोटा सा बीज है. उसने अपनी स्टोरी सुनाई है इसमें. ओके स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉय. नाउ स्टार्ट अवर पोएम. Even the biggest trees begin life as tiny seeds. Read about how the little acorn grew a big. मतलब कि एक जो बहुत बड़ा पेड़ होता है उसकी भी एक स्टार्टिंग कैसे होती है, एक छोटे से बीज से होती है और वो एक बड़ा ट्री बन जाता है. तो सेम इन दिस पोएम, एक जो छोटा सा एक्रॉन का सीड था वो कैसे एक बड़े ट्री में कन्वर्ट हो गया वो इसमें बताया है. लिटिल बाय लिटिल, तो छोटा छोटा, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके जो ग्रो होता है वो. लिटिल बाय लिटिल एज एक्रॉन सेड, उसने एक्रॉन सेड ने कहा कि मैं कैसे थोड़ा थोड़ा करके ग्रो हुआ. एज इट स्लोली सेंट इन इट्स मोसी बैड, और मैं अपने जो है सेंट मतलब दलदली धरती में जो मिट्टी और पानी खूब मिक्स हो जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोजी, मुझे सॉइल बोलते हैं. तो उसके अंदर में कैसे क्या वो उसका जस्ट लाइक उसका बैड था. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, और मैं उसमें जाकर धीरे धीरे रोज डे बाय डे कैसे मैं ग्रो हुआ. हिडन डीप इन द अर्थ, और मैं हिडन का मतलब है छुपा हुआ, और मैं जो धरती के अंदर छुपा हुआ था उसके अंदर मैं छुपा हुआ था. लिटिल बाय लिटिल ईच डे ग्रो, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मैं धीरे धीरे डे बाय डे बढ़ता चला गया. लिटिल बाय लिटिल इट स्लिप्ड द ट्री, और मैं जो सुबह की जो ओस होती है, ओस की जो बूंदे होती हैं ठंडी ठंडी बूंदे, उनको मैं कैसे सिप कर करके मतलब पी पी के कैसे मैं बड़ा होता गया. डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, और धरती के अंदर, डाउनवर्ड मतलब अंदर, मेरी जो जड़ें थी वो छोटे छोटे धागों के रूप में, एकदम पतले पतले लंबे लंबे छोटे छोटे धागों के रूप में वो बढ़ने लगे. देखो लगा है ना, सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, छोटे धागों के रूप में जो मेरी रूट थी वो बढ़ती चली गई. अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट, और थोड़े समय के बाद मैं धरती फाड़ के ऐसे बाहर निकला. डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, दिन बहुत दिन, मतलब डे बाय डे मीन्स दिन बाय दिन, दिन बाय दिन, ईयर बाय ईयर मतलब सालों सालों साल तक मैं बढ़ता चला गया. लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, और फिर जब जैसे जैसे मैं ग्रो करता गया और मेरे अंदर लीव्स निकलना शुरू हुई, मतलब पत्तियाँ आनी शुरू हुई. आपने देखा होगा ना, आपके यहाँ भी छोटा सा प्लांट लगाते हैं फिर वो धीरे धीरे ग्रो होता है, फिर उसमें प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ग्रीन ग्रीन कलर की पत्तियाँ आती हैं ना, छोटी छोटी होती हैं, तो बहुत ही शाइनिंग, बहुत सुंदर लगती है देखने में, है ना. तो वही इसमें इसने बोला कि दिनों दिन मेरी जो पत्तियाँ थी वो सुंदर होती गई और मेरी लीव्स बढ़ती चली गई. एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, और उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जो ब्रांचेस थी वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई और दूर दूर तक फैल गई. देखो ना, जब पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है तो उसकी ब्रांचेस बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो दूर दूर तक फैल जाती हैं. टिल द माइटी ओक इन द फॉरेस्ट प्राइड, और धीरे धीरे जो था ओक कटे जो था वो फॉरेस्ट का प्राइड बन गया. मतलब इतना सुंदर और इतना बड़ा पेड़ बन गया कि फॉरेस्ट को, जंगल को अपने ऊपर गर्व महसूस होने लगा कि वाह देखो मेरे जंगल में इतना सुंदर एक पेड़ है, मतलब फॉरेस्ट की शान बन गया हो, है ना बच्चों. अभी आप भी देखो, एक छोटा सा बीज अंदर मिट्टी में डालना और उसको रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालना और फिर देखना थोड़े समय बाद उसमें से पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी, उसे ज़मीन को फाड़ के वो बाहर निकल आएगा, है ना बच्चों. आई होप आपको मज़ा आया होगा सुनने. ओके, थैंक यू.